दोस्तों, आप भी अगर बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिकॉज अगर आप ये वीडियो नहीं देखते हो तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप मिस कर दोगे, क्योंकि मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ एक्सिस बैंक की तरफ से निकली हुई कुछ वैकेंसीज के बारे में, जहाँ पर मैं आपसे बात करूँगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, जॉब रोल क्या रहने वाला है, परमानेंट जॉब होगी या फिर परमानेंट जॉब नहीं होगी, ये फील्ड जॉब होगी या फिर बैंक में बैठ के आप एक वैल्यूएबल जॉब कर रहे होगे। साथ ही साथ मैं बात करूंगा आपसे कि सैलरी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, क्या एरिया रहेगा, अर्बन एरिया रहेगा या फिर रूरल एरिया रहेगा। दूसरी बात यह है सैलरी क्राइटेरिया की, मैं पहले बात कर लेता हूँ कि आपको आपके स्किल्स के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी, हालांकि जो मिनिमम सैलरी क्राइटेरिया है वो 22,000 रुपये रहने वाला है, 20 से 22,000 रुपये तक की आपको यहाँ पर सैलरी प्रोवाइड की जाएगी पर मंथ। इसके साथ मैं बात करूँगा कि क्या ये जॉब फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस कैंडिडेट दोनों के लिए ही है या फिर केवल एक्सपीरियंस कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे इस जॉब में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जो वास्तव में एक बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर एक वैल्यूएबल जॉब की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यूएबल कंटेंट आपको मिलेगा, एक वैल्यूएबल जॉब की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करता हूँ ये वीडियो। सो जॉब रोल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सेल ऑफिसर की जॉब रहने वाली है, मतलब एक ऑफिसर कैडर की जॉब आप कर सकोगे अब एक्सिस बैंक में। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ, सेल ऑफिसर है तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे सेल होगी। पोस्टिंग कहाँ होगी, लोकेशन की, तो यहाँ पे लोकेशन का ज़्यादा मैटर इसलिए नहीं करता बिकॉज आप किसी भी बैंक, प्राइवेट सेक्टर में किसी भी बैंक में आप जाओगे तो 90% वहाँ पे सेल का टारगेट सभी एम्प्लॉयमेंट पे एम्प्लॉय पे होता है, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे PO हो, चाहे कोई भी हो। और आप स्पेशली सेल ऑफिसर होगे तो आप स्पेशली सेल के लिए जा रहे हो तो आप पे टारगेट में भी थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जिस हिसाब से टारगेट होगा उस हिसाब से आपकी सैलरी होगी और जिस हिसाब से आप काम करोगे उस हिसाब से आपका इंसेंटिव भी होगा यहाँ पे। तो इसके बाद दोस्तों मैं आपसे बात कर लेता हूँ यहाँ पे कि कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ, फ्रेशर्स एंड एज वेल एज एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स बोथ आर एलिजिबल, बिकॉज काफ़ी लोगों का एक डाउट रहता है कि क्या केवल एक्सपीरियंस कैंडिडेट को ही बैंक में जॉब मिल सकती है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप सेल प्रोफाइल के लिए या किसी भी प्रोफाइल और किसी और प्रोफाइल के लिए आप जा रहे हो तो ऐसा नहीं है, केवल एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट ही यहाँ पे हायर किए जाते हैं, एज वेल एज फ्रेशर भी यहाँ पे हायर किए जाते हैं, फ्रेशर्स की भी यहाँ पे हायरिंग होती है। टोटल नंबर ऑफ पोस्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे दोस्तों 100 ओपनिंग हैं अभी, 100 यहाँ पे जॉब ओपनिंग चल रही है, जहाँ पे दोस्तों जॉब एप्लीकेंट्स भी काफ़ी सारे हो चुके हैं। आप जल्दी से अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप जितना लेट करोगे उतने ही ज़्यादा लोगों में आपका कंपटीशन बढ़ जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द यहाँ पे अप्लाई करिए। अप्लाई लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्टली जाके भी अप्लाई कर सकते हो या फिर यहाँ पे दी गई लोकेशन या अपने द्वारा सेलेक्ट की गई लोकेशन पे जाके आप वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू भी यहाँ पे अप्लाई करके वॉक इन इंटरव्यू आप दे सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे बता दूँ कि ये जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा पुरानी नहीं है, 5 दिन पहले की है यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट बोथ कैन अप्लाई, आप देख भी पा रहे हो। उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन जल्दी से आपको बता देता हूँ, और जॉब डिस्क्रिप्शन बताने से पहले दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आपकी मेजर स्किल क्या रहने वाली है। दोस्तों मेजर स्किल है वो यहाँ पे आपकी सेल की रहने वाली है। इसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ देता हूँ। जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू होगा, मीन्स ऑनलाइन इंटरव्यू यहाँ पे आपका शेड्यूल नहीं किया जाएगा, केवल वॉकिंग इंटरव्यू के थ्रू ही आपकी हायरिंग होगी। इसके बाद दोस्तों मैं आपसे बात कर लेता हूँ मेन टॉपिक पे, जो है प्रोडक्ट्स, यहाँ पे प्रोडक्ट्स क्या रहने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लोन के जितने भी लोन टाइप ऑफ लोन हैं वो सभी यहाँ पे प्रोडक्ट्स होंगे आपके, जैसे बिजनेस लोन हो गया, होम लोन हो गया, कार लोन हो गया या फिर किसी भी तरह का अन्य लोन हो गया, या फिर लोन के साथ रह रहे के आप और भी बैंक के प्रोडक्ट्स यहाँ पे कस्टमर को शो करा सकते हैं या फिर एक तरह से कहूँ तो बेच सकते हैं, क्योंकि सेल की जॉब है। यहाँ दोस्तों आपको खास बात यह है कि अगर आप 12th पास हैं तो आप एलिजिबल हैं यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। ग्रेजुएशन यहाँ पे मैंडेटरी नहीं मांगा गया है, मतलब अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो अगर आप 12th पास हो तो। इसके बाद दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा आपसे इंसेंटिव, तो यहाँ पे बेस्ट इंसेंटिव इनकी तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। बेस्ट इंसेंटिव की अगर मैं ब्रीफ में बात करूँ तो आपकी स्किल के अकॉर्डिंग आप जितना भी मार्केट से क्राउड कैप्चर करते हो या जितना भी मार्केट कैप्चर करते हो उस अकॉर्डिंग आपको
बेस्ट टू बेस्ट इंसेंटिव्स देने की बैंक ट्राई करता है अपनी तरफ से, बाकी आपकी स्किल्स पे और आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। यहाँ पे दोस्तों कुछ कॉन्टैक्ट्स दिए हैं, तो उन कॉन्टैक्ट्स पे आप देख भी पा रहे हो, आप इन कॉन्टैक्ट्स पे अपना ईमेल के थ्रू आप अपने रिज्यूमे सेंड कर सकते हो, डायरेक्टली इनसे बात भी कर सकते हो। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगर आपका कोई सुझाव हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के थ्रू या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के थ्रू आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा उन दोस्तों के साथ जो वास्तविकता में आप बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर चुनना चाहते हैं या एक वैल्यूएबल जॉब की तलाश में घूम रहे हैं। थैंक यू। ऐसे ही जॉब रिलेटेड वीडियोस, बिजनेस आइडिया और टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।